तो गाइस आज जा रहे थे, मच्छ रेडी है। लात मार रहा था। अच्छा ये लो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीएसएम व्लॉग्स। आपका स्वागत है हमारी उत्तराखंड देवभूमि। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? फाइनली अभी शाम हो चुकी है और लोगों ने आग भी जला दी है, आप देख रहे होंगे। सो आग जलाते हैं ताकि मच्छर और बाघ वाघ ना आए करके। बट टफी बैठा हुआ है हमारा, टफी। सो गाइस, अभी यहाँ पे हमें टैंकी में के रख दी है और कल हमने पूरा रेडी किया है। ये आपको मैं दिखाऊंगा, अभी पूरा व्लॉग बनेगा इसका। तो फिलहाल अभी कपड़े सूखने के लिए यहाँ बना दिया, बट फिलहाल के लिए अभी बाद में यहाँ पे लाइटें लगेंगी कॉर्नर्स पे, तो अभी पूरा रेडी होने का है। तो यहाँ पे हमने देख रहे होंगे, इस पर भी हमने आग जलाने के रख दिया है। अभी हम आग जलाएँगे, फिर हम आग सेकेंगे यहाँ पर, ताकि यहाँ से बहुत हवा आ रही थी साइड से ना। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पर इस एरिया पर दीवार रख दी है, यहाँ बैठेंगे चेयर लगा के और यहाँ आग सेकने का। ये पूरा एरिया कवर्ड हो जाएगा। यहाँ पहले पूरा घास था, एक्चुअली घास भी नहीं था तरीके से बोलूँगा, कि सब खेत देख रहे हो ना, तो ये खेत वगैरह थे। तो चक्कर पापा ने यहाँ पे क्या किया, दीवार लगा दी पूरी, ठीक है, तो इस लेवल पे ऊपर सीमेंट डाल दिया, तो ये पूरा गैलरी एरिया बन गया। आ गया पानी क्या ऊपर से खुल रहा है? पानी तो वहाँ से चलता है ना। तो वैसे ये पीने का पानी हमारा ऐसे आता है पहाड़ों से। एक टाइम पे टैंकर आता था और यहाँ पे पहाड़ों से पानी आता था ऊपर से एकदम। तो ये पीने का पानी है। ये यहाँ के पहाड़ी गगर, गगरी बोलते हैं, गगरी। ये गगरी कब मिली थी हमें, ये वाली? ये मेरी वाली है, आपकी शादी में? ये मम्मी की शादी में मिली थी गगरी। कहाँ से? अच्छा, तो कितना डिफरेंस है। ये लग रहा है कि ये थोड़ी, ये स्टील का है ना, वो तांबे का। कितनी पुरानी है, आज भी मतलब लोग लेके चलते हैं, सबके घरों में मिलेगा ये पहाड़ी गगरी। फिलहाल अभी खेत वेत भी पूरे लहरा रहे हैं, मम्मी के वहाँ राई और मूली वहाँ से उग चुकी है। तो अभी ठंड भी काफ़ी हो गई है, फिलहाल धूप भी चली गई है। टफी यहाँ पे बैठा हुआ है। टफी यहाँ बैठा हुआ है कि कब आदमी मुझे अंदर लेके जाएंगे। टफी चलेगा अंदर? चलेगा अंदर? आजा आजा अंदर, आजा आजा आजा। लाइट जला देता हूँ मैं। लाइट का कहाँ है स्विच? लाइट का स्विच क्या है टफी? ये रहा और यहाँ का स्विच ये रहा। आजा अंदर, आजा, चलो आजा, चल जा अंदर। आ, 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 अंदर ही करना जो करना है, अंदर ही कर। हाँ, यहाँ के लिए चला देता हूँ मैं। ये लो, ठीक है ठीक है। मेरा पोत कितना प्यारा लग रहा है। इसकी आंखों में कोई दिक्कत हो रखी है, इसके कारण नहीं देख नहीं पा रहा ढंग से। तो इसके बारे में पढ़ाई मैंने तो कई जगह लिखा हुआ है कि पेट में कीड़े होंगे और इस चक्कर में आंखों से जो कचड़ा होता है ना, वो निकलता है डॉग्स के। तो इसको अभी यहाँ तो नहीं, दिल्ली जाएंगे तब दिखाएंगे एक बार। तो उसमें विटामिन की दवाई वो चाहिए होती है, तो देखते हैं जाएंगे तो इसका इलाज कराएंगे। अभी तो देख रहा है फिलहाल, तो अभी दो तीन दिन से देख नहीं पा रहा बिल्कुल भी, आँखें एकदम छोटी हो गई थी इसकी। अब देख रहा है, अभी देखो, ये देखो ऊपर देखो, ऊपर देखो, ये कौन है? ये देख, आगे दिखाओ पहले, रुक जाओ। ये देख रहे हो आप, ये पूरा कचरा हो रखा है, आँखें खोल नहीं पा रहा। तो मुझे लगा कि शायद चिकन की वजह से हो गया, लेकिन पॉटी तो कर रहा है सब कुछ, तो ये शायद कुछ चीज़ हुई है इसके आँख में, पता नहीं क्या, डॉक्टर ही बताएगा, तो वहाँ नहीं चलेंगे। तो फिलहाल हमारे आँख का रेडी हो चुका है, रात भी होने वाली है ऑलमोस्ट। तो अभी टफी वेट कर रहा है कि सब कब सब घर में आएंगे। तो
ये है। सो फाइनली हमारा ये रेडी हुआ है, 3 दिन लगे हैं इसको रेडी होने में। अभी पूरा घर का ही बनाऊंगा तो फिर अच्छे से वीडियो बनाऊंगा उसकी भी, तो एक दो दिन में उसकी वीडियो बना के डालूंगा, आप देखना कैसे रेडी किया पापा ने। और फिलहाल अभी छोटा सा एक जो झलक वो दिखा देता हूँ। फिलहाल अभी यहाँ पे लाइट लगा दी है अपने, फॉल सीलिंग की लाइट लग गई यहाँ पे, और बेल का भी लगा दिया। तो यहाँ पे सारा सामान वामान रखा हुआ है, अभी ये सामान सारा अताई बोरी ताई ताई बाग ताई अरे ताई करो करो कहाँ, मैं ऊपर से तो आ रहा हूँ अभी, वहां पे ताई वो लगे हुए माल्टा, वो नीचे उस साइड में मैंने देखे थे। फिर काफी बड़े लगे हैं। अच्छा ये कितने बड़े बड़े हो गए, नींबू है ये। अरे बनाएंगे अभी हैं? रात को नहीं, कल सताई जा रही है अभी ऊपर ट्रैकिंग करके ताई जा रही है ट्रैकिंग करके बाय क्या बोल रहे हो? ट्रैफिक तो ही बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखो आंगन में ताऊ ने इतने पेड़ उगा रखे हैं, यहाँ पे इतने से फ्लावर भी हो रखे हैं। ये फ्लावर वहाँ पे तो होते नहीं है, यहाँ पर कितने अच्छे खिल रखे हैं। ये फ्लावर पूरा खेती है नीचे। ये है ताऊ का घर, ये है ताई का घर। पहले हमारा भी ऐसी बराबर में हमारा था, फिलहाल भी चेंज हो गया पूरा। अब इतना ही बड़ा घर मैं दोस्तों कभी कभी इतना ही बड़ा घर अगर मेरा बना बनाया शहर में होता, वो मैं कह रहा हूँ आराम से मतलब 2-2.5 करोड़ रुपए सुपर ही लग जाते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से फिनिशिंग हो रही है अभी, मैं फिनिशिंग दिखाऊंगा नहीं, फिनिशिंग अभी जिस हिसाब से हो रही है उस हिसाब से तो मतलब पहाड़ों में भी उस हिसाब से बहुत पैसा लग रहा है। बट क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ लोडिंग करना, सामान को नीचे से लेके आना, उसमें बहुत खर्चा होता है, लकड़ी ये सब। तो अभी क्या किया था हमने, जो लकड़ी थी ना उसी को हमने तोड़ के उसी को हमने रखा, और लकड़ी यही काम आ रही है, वो बेड बनाने में, सोफ़ा बनेगा उसका। तो लकड़ियाँ पहले टाइम में जो लकड़ियाँ थी ना वो बहुत मजबूत होती थी, ठीक है। तो आपको मैं एक जो छोटी सी झलक है वो दिखा देता हूँ कि पहले टाइम में जो लकड़ियाँ होती थी वो किस टाइप की होती थी, वो ख़राब भी नहीं होती थी, ठीक है। और आज के टाइम में क्या है, लकड़ियाँ इतनी जल्दी ख़राब हो रही हैं क्योंकि किसी का आइडिया ही नहीं है। आपको दिखाता हूँ पहले हमारा किस टाइप का पहले डोर हुआ करता था। देखो ये सेम आप देख रहे हो ना, ये सेम चौकट ऐसे हमारा डोर हुआ करता था, ठीक है, कुंडी वाला, ये सेम बराबर में उस तरफ का। सो ये हमारे जो चाचा का घर है, तो ऐसे ही हमारे ये डोर हुआ करते थे, देख रहे हो, ठीक है। और आपको दिखाता हूँ बालकनी, बालकनी कैसे होती थी उस टाइम पे, ये देखो, ये तो हमने ऐसे कर रखा है, लेकिन हमारी बालकनी ऐसी नहीं थी, ऐसी लकड़ी का ही था, जैसे उनका पीछे का हिस्सा है, वो पीछे का दिखा देता हूँ। ऐसे हमारी बालकनी हुआ करती थी, छोटी सी क्यूट सी, ये देखो ऐसी होती थी बालकनी। सो अभी वो टाइम चला गया, तो नया टाइम आ रहा है, नए टाइम के साथ साथ तो नई चीज़ें भी और नई तकनीक लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखो इतनी प्यारी सीढ़ियाँ हो रही थी, छोटी छोटी सीढ़ियाँ, ये हैं सीढ़ियाँ चढ़ने की, और इसमें एक पार होने की लकड़ी की है, पूरी लकड़ी की, तो ये सीढ़ियाँ वो करती थी। अभी यहाँ पर फिलहाल मधुमक्खी का जो छत्ता है वो बना रखा है जो चाचा ने, तो इसमें मतलब अपना मधुमक्खी आते हैं और शाम को चले आते हैं अंदर। यहाँ पे भी शहद बहुत होगा। टफी तभी बाहर क्यों आ गया फिर से तू, चलो आजा अंदर, आजा आजा अंदर, चलो बाहर नहीं बैठना, चलो अंदर आओ, चलो भाग आएगा बाहर, चलो अंदर, हाँ अंदर बैठो, चलो अरे मैं ही हूँ यार, ही हूँ मैं, बैठो ऊपर आ जाओ, चलो ऊपर आओ, ऊपर आओ, हाँ बस बैठ जाओ ऊपर, वहाँ बैठो ऊपर, बैठो ऊपर, जंप, वेरी गुड, वहाँ बैठ जाओ, बस ये यहाँ बैठो आराम से, बाहर बाघ आएगा अभी। तो गाइस अभी फिलहाल अब बाघ जलाने का टाइम आ चुका है, तो हम अभी आग जलाएंगे
और मस्त आग सेकेंगे यहाँ पे। तो यहाँ कम से कम हमारे बोले तो 2 घंटे या 3 घंटे हमारे यहीं आग सेकने में ही जाते हैं, क्योंकि ठंड बहुत होती है अंदर भी, क्योंकि फिलहाल अभी पूरी जो खिड़कियाँ लगी नहीं हैं, तो अभी फिलहाल अभी के लिए फिलहाल उन्होंने मतलब कपड़ा टांग रखा है और ऊपर का पूरा खुला हुआ है, तो उस चक्कर में मतलब हवा बहुत तगड़ी आती है अंदर। तो अभी के लिए फिलहाल हम आग जलाएंगे यहाँ पे, आग सेकेंगे मस्त एकदम, और खाना भी खाएंगे रात को। खाना भी हम यहाँ पे 8 से 8 बजे खा लेते हैं, और 9 बजे मतलब ऐसा लगता है कि 9 बजे मतलब 12 बज गए। जैसे आप देख रहे हो अभी इस टाइम पे ऐसे मौसम हो रखा है, उस टाइम पे आपको लग रहा होगा कि ऐसे अभी यहाँ पे शाम के अभी बजे होंगे 7 या 6, बट नहीं, इस टाइम हो रखा है 5:30 होने वाले हैं। तो 5:30 पे सूर्य ढल चुका है, अब वो दोबारा उगेगा कल सुबह। तो फिलहाल देख रहे हो ऐसा लग रहा है कि ऐसे रात हो गई खतरनाक, 7 बज गए होंगे, बट अभी 5:30 हो रखे हैं। सोचो अब 7 बजे कैसा होगा, सुनसान एकदम, यहाँ पे कुछ नहीं होता। तो फिलहाल अभी हम वही हमारा खाना पीना जो होता है वही हम खाते हैं 8 बजे के आसपास, और 9 बजे सो जाते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे आग जलाएंगे, आग सेकेंगे, तब तक आग जला देते हैं। लोगों ने भी आग जला ली है यहाँ पे आग सेकने के लिए कई गाँव में, तो अभी हम भी आग जलाएंगे ऐसी, और आग जलेगी ऐसे नहीं, जलाना पड़ेगा मिट्टी तेल, और मिट्टी तेल मिलता नहीं है, तो हम अपने पैसे रखा हुआ है, तो मिट्टी तेल लेके आते हैं। और मिट्टी तेल तो इस टाइप की जर्किन पापा को मिलती थी, ये प्लास्टिक की नहीं है, लोहे की है, सो खोलना ही बड़ा टास्क होता है। ये पर लोहे की है, और कितनी पुरानी होगी गैस करो कितनी पुरानी, पापा ने अभी तक ये मिट्टी तेल रखा हुआ है।